नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि रीवा में आम आदमी पार्टी द्वारा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गेस्ट हाउस रेप कांड में तेज हुई सियासत। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने विरोध शुरू किया, धरना प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने गेस्ट हाउस में आरोपी विनोद पांडे के नाम से बुक किए गए रूम को लेकर एसडीएम को ठहराया जिम्मेदार। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा एसडीएम पर हो कार्रवाई। आम आदमी पार्टी का आरोप रूम अलॉटमेंट करने की मंत्री बिसाहू लाल ने की थी सिफारिश। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस बात के लिए कि जिस प्रकार से कमरा नंबर 4 पर किसको बुकिंग की और एसडीएम जो है हुजूर को निलंबित क्यों नहीं किया गया जबकि अपराधी को उसने किया, इस बात को लेकर हम लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग की गिरफ्तारी हुई है, हम सब लोग यहां पर गिरफ्तार होकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये रीएम डीएम जो है इस बात को उनको निलंबित करेंगे और बिशाहू लाल और राजेंद्र शुक्ला जी बताएंगे कि 4 नंबर कमरा हमारे द्वारा बुक किया गया तो उसको क्यों बुक किया गया था। यहाँ पर जो है हम लोग जो है 250 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और हम लोग जो है इसमें से यहाँ से मांग करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। आंदोलन आज ही हुआ था, आज ही कार्यक्रम था। धन्यवाद। चलाने की बात कही थी उसको रोक लिया गया। समदड़िया के सामने देखिए आप, इस तरह लोग आया हुआ है। हम मुड़े लेके आए थे, उसके लिए नहीं लगाया, इसके बाद करेंगे। ये धरना प्रदर्शन किस नाम को लेकर था? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई के द्वारा पर आज यहाँ पर सिरमौर चौराहे के पास से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी धरना प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और साथ में सामूहिक गिरफ्तारी भी दी है, तो वो गिरफ्तारी सांकेतिक रूप से कर ली गई है। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एसडीएम गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मामले की कार्यवाही की जो जांच चल रही है उसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले में जो भी कार्यवाही है पुलिस और प्रशासन पर कर रहा है। सीएम के आदेश के बाद भी एसडीएम पर कार्यवाही नहीं हुई क्यों? नहीं, सीएम ने जांच की कार्यवाही के निर्देश दिए थे सीएम साहब ने मंच से। वो जांच कार्यवाही पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। जो भी लोग उसमें सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक जांच की जा रही है। एक मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है, मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है कि मंत्री के कहने पर। अब वो उनका धरना प्रदर्शन है, वो अपना नाम जिसका भी ले रहे हैं। ये लगभग अभी संख्या में 50 लोग दिख रहे हैं, 50 लोगों की लगभग गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। कौन पार्टी के? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई की।